नमस्कार दोस्तों, आज जानकारी प्राप्त करते हैं कि हाल में ही भारत का जो पड़ोसी देश है भूटान, उसने ये घोषणा की है कि 1 मार्च से भारतीय नागरिक वहां पर आकर ड्यूटी फ्री सोना खरीद सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भूटान ने ये घोषणा क्यों करी, इससे भारतीयों को क्या फायदा होगा और थोड़ी सी जानकारी भूटान के बारे में भी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए इस न्यूज़ को समझते हैं। तो अभी हाल में ही भूटान ने घोषणा की है कि कोई भी भारतीय नागरिक या विशेष तौर पर कहें पर्यटक, वहाँ से भूटान से ड्यूटी फ्री सोना खरीद सकता है। और ये फैसला भूटान सरकार ने 21 फरवरी को, जब भूटान न्यू ईयर, भूटानी न्यू ईयर आता है, नववर्ष आता है, उस दिन लिया है। और 1 मार्च से, यानी आज से, ये फैसला लागू हो गया। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो भारतीय पर्यटकों को होने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा समझिए कि कुल मिला के जब कोरोना काल के पहले, यानी वर्ष 2019 में 3 लाख पर्यटकों ने भूटान का भ्रमण किया था, और उस 3 लाख पर्यटकों में से 2.5 लाख पर्यटक थे भारतीय। यानी कुल मिला के भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये घोषणा की गई। तो इसका विस्तार में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ है कि जब कोरोना काल था, कोरोना का दौरान, तो उस समय भूटान ने अपने देश को पर्यटन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया था। लगभग 2.5 वर्ष वो पूरी तरह से बंद रहा। अभी हाल में ही सितंबर 2022 में भूटान ने पर्यटन के लिए पुनः अपना देश खोला है। लेकिन जब सितंबर 2022 में उन्होंने पर्यटन के लिए अपना देश को खोला, तो अगले 3-4 महीने में केवल 16,000 पर्यटक ही उनके पास पहुंचे, और उसमें से अधिकांश भारतीय थे। तो अब चूंकि उन्हें काफ़ी नुकसान हो चुका है पर्यटन ना होने की वजह से 2-2.5 साल में, तो इसे कवर करने के लिए और विशेष तौर पर भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये भूटान सरकार ने घोषणा की है कि वो भूटान से ड्यूटी फ्री सोना खरीद सकते हैं। क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि भारतीय विश्व में सोने के कितने ज़्यादा खरीदने, कितना ज़्यादा सोना खरीदते हैं, कितने ज़्यादा सोने का कलेक्शन है देश के अंदर। और विशेष तौर पे आपको पता है कि दुबई से भी बड़ी संख्या में भारतीय सोना खरीद के लाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं अभी। तो ये जो सोना रहेगा, ये भूटान के 2 प्रमुख शहर हैं जिनको कहते हैं फुट शिलिंग और थिम्पू, जो उनकी कैपिटल है, वहाँ से खरीदा जा सकता है। और यहाँ जो सोना है वो ऐसे ड्यूटी फ्री आउटलेट्स के द्वारा बेचा जाएगा, जो अभी तक लग्जरी आइटम बेचते थे, अब वो साथ में सोना भी बेचेंगे। और ये जो दुकानें हैं, ये प्रमुख रूप से भूटान के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आएंगे, और ये किसी भी तरह का उसमें टैक्स नहीं लगेगा, यानी ड्यूटी फ्री रहेगा, तो ये सस्ता मिलेगा। तो आइए विस्तार से इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो कीमतें क्या रहेंगी, तो अगर मैं आपको बताऊं तो 26 फरवरी के हिसाब से लगभग 58,000 रुपये कीमत है भारत में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत, लगभग 58,000 रुपये के आसपास है। और सेम 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत भूटान में, भूटानी जो मुद्रा है नगुल टर्म BTN, इसमें 40,000 रुपये का पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भारतीय मुद्रा है और जो भूटानी करेंसी है उसकी कीमत लगभग बराबर है। यानी अगर भारतीय कोई भी व्यक्ति 10 ग्राम सोना खरीदेगा भूटान से, तो उसे लगभग मान के चलिए 17,000 से 18,000 रुपए का फायदा होगा। अब ये सोना कौन खरीद सकता है, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो सोना है वो पर्यटक जो वहाँ पे जाएगा भूटान में, वहाँ कम से कम एक दिन यानी 24 घंटे व्यतीत करेगा और वहाँ पर SDF का भुगतान करेगा। आगे मैं आपको बता रहा हूँ SDF क्या है और क्यों लिया जा रहा है, का भुगतान करेगा। और जो भूटान का पर्यटन विभाग है उसके द्वारा प्रमाणित होटल में कम से कम एक दिन रहेगा और उसकी रसीद उसके पास रहेगी। वही व्यक्ति भूटान के फुट शिलिंग और थिम्पू शहर से ये सोना खरीद सकते हैं। अब एक ऑब्वियस सा प्रश्न है जो सभी के दिमाग में आएगा कि आखिर कितना सोना भारतीय वहाँ से खरीद सकते हैं और ला सकते हैं। तो देखिए, इसकी भी एक उन्होंने तय की है मात्रा कि महिला और पुरुष कितना सोना वहाँ से खरीद के ला सकते हैं। तो भारत का जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, उसके नियम के अनुसार कोई भी एक भारतीय पुरुष विदेश से 50,000 रुपये का सोना, यानी लगभग 20 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना, और एक भारतीय महिला लगभग 20 ग्राम सोना विदेश से भारत में कर मुक्त ला सकती है। ठीक है।
और महिला के लिए 1 लाख रुपए की लिमिट दी गई है, जबकि पुरुष के लिए लिमिट है 50,000 रुपए। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है सतत विकास शुल्क, यानी SDF, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। ये भूटान सरकार द्वारा पर्यटकों से ली जाती है और ये प्रतिदिन के हिसाब से ली जाती है। तो यहाँ एक चीज समझना आवश्यक है कि जो भूटानी भूटान में पर्यटन आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनसे प्रतिदिन के हिसाब से विदेशी पर्यटकों के लिए 60 से लेके और $200 प्रतिदिन लिए जाते हैं, जबकि भारतीय नागरिकों से कोरोना के पहले कोई भी प्रतिदिन की फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन अब भारतीय नागरिकों को भी 1200 रुपये यानी लगभग $1500 प्रतिदिन भुगतान करना पड़ेगा और अन्य देश के पर्यटकों के लिए लगभग $65 से $200 के बीच में प्रतिदिन होगा। ये भूटान सरकार इसलिए लेती है कि वो अपने यहाँ पर्यटकों की संख्या सीमित करना चाहते हैं और कोरोना काल के नुकसान को भी वो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो बैलेंस कर पाएँ, उसे बराबर कर पाएँ और जो नुकसान हुआ उसे बराबर किया जा सके। इसके लिए ये इन्होंने शुल्क लगाया है और इस शुल्क का इस्तेमाल वो पर्यटन जो की वजह से जो उनके पर्यावरण को नुकसान होता है उसे ठीक करने में लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं थोड़ी सी जानकारी भूटान के बारे में। तो भूटान भारत का पड़ोसी देश है और इसकी कैपिटल है थिम्फू, इसकी मुद्रा है भूटानी न्यू गुल्ट्रम, जो भारतीय मुद्रा जो इंडियन करेंसी उसके बराबर ही है, एक न्यू गुल्ट्रम बराबर 1 रुपये ही होता है। लगभग 8,75,000 की जनसंख्या है यहाँ पर। धर्म यहाँ का ऑफिशियल बौद्ध धर्म जो है वही है और उसमें भी एक उनकी ब्रांच है बज्रायन शाखा, वो यहाँ का धर्म है। देश की जो भूटान की 75% जनता है वो बौद्ध धर्म की बज्रायन शाखा को मानती है। थोड़ा सा भूगोल देखते हैं इसका। तो भूटान पूर्वी हिमालय की दक्षिणी ढलान पर स्थित है, उत्तर में इसके चीन के तिब्बत का जो स्वायत्त क्षेत्र है वो है, पश्चिम में भारत का सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश वगैरह स्थित है। मतलब इसके बीच में स्थित है, बहुत छोटा सा देश है। इसकी जो अर्थव्यवस्था है तो इस विश्व की सबसे छोटी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इनकी जो 75% अर्थव्यवस्था है वो कृषि, वन और यहाँ पर जो बिजली बनाते हैं वो और भारत को उसका विक्रय करते हैं, उससे 75% इनको इनकी जो GDP है वो मिलती है और पर्यटन से लगभग 3.5 से 5% GDP में योगदान पर्यटन का होता है। कुल मिला के यहाँ पर 3 लाख पर्यटक 2019 में आए थे, जिसमें से 2.5 लाख भारतीय पर्यटक थे और कोरोना के समय ये बंद कर दिया था भूटान को इन्होंने, अब सितंबर 2022 से पर्यटन के लिए इसे पुनः खोल दिया है। तो अब कोशिश है उनकी कि जो उनको कोरोना काल में नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करें और विशेष तौर पर चूंकि अधिक संख्या में भारतीय पर्यटक ही जाते हैं भूटान, तो उनसे SDR के रूप में 1200 रुपये प्रतिदिन लिया जाए, लेकिन उस की वजह से कहीं भारतीय पर्यटकों का मोह भंग ना हो पर्यटक भूटान से, इसके लिए ये इन्होंने शुरू किया है ड्यूटी फ्री गोल्ड बेचना। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।